बंगलुरु कूकर ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। इस संबंध में गुरुवार को कर्नाटक सरकार एक आदेश जारी किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री अर्घ ज्ञानेंद्र ने बयान जारी कर बताया कि प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने के संबंध में सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य पुलिस ने मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 1638 और 39 लगाई है। मामले की एनआईए से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इस पत्र में कहा गया है कि चूंकि यह एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत एक अनुसूचित अपराध है, इसीलिए इसे आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए एनआईए को केस की जांच के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद ने कहा था कि एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पहले दिन से प्रदेश पुलिस के साथ मामले की जांच करने के लिए काम कर रही हैं। बता दें कि इसी महीने की 19 तारीख को मंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में धमाका हुआ था, जिसमें यात्री और चालक घायल हो गए थे। पुलिस ने इसे आतंकी कार्यवाही करार दिया है और यात्री को इस घटना के लिए आरोपी बनाया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में की गई है।